नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किरण ऑनलाइन स्टडी में, एक एजुकेशन चैनल जहां आपको अभी राजस्थान की जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करवाया जाता है और फर्स्ट ग्रेड को लेकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो है वो अनफेस वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपके सामने फेस वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया फैकल्टी से आपको ये सुविधाएं मिलने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स जो शिक्षा प्रबंधन से संबंधित अभी चल रहे हैं, इनमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई गवर्नेंस। सरकारी कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, जो सरकारी जितने भी कार्य हैं उनमें जो कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं वो ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, ई गवर्नेंस के तहत पिछले दशक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच आम जन तक बढ़ी है। ई गवर्नेंस के माध्यम से जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, उन योजनाओं को आम जन, आम व्यक्ति तक, हर व्यक्ति तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया गया है। और आजकल तो आप जानते ही हैं, ठीक है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल राज दर्पण है। ठीक है, जो राजस्थान सरकार का वेब पोर्टल है उसे हम राज दर्पण के नाम से जानते हैं। वर्ष 2003 से 2007 तक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ठीक है, 25,000 करोड़ जो है वो 25,000 करोड़ खर्च कर दिए गए हैं, ताकि जो है वो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत, ताकि जो है वो लोगों तक अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लोकजन सहभागिता मॉडल पर आधारित कार्यों में ई गवर्नेंस का विशेष महत्व है। ठीक है, आखिर ई गवर्नेंस के फायदे क्या है, इससे क्या फायदा है ई गवर्नेंस से। ठीक है, तो देख लेते हैं। कार्य की गति में तेजी आती है। ठीक है, कोई भी काम हो, ऑनलाइन होगा, जैसे कोई चीज हो, कोई भी अपने कार्य करना हो। ठीक है, जैसे पहले ऑफलाइन अपन फॉर्म भरते थे तो उसमें समय लगता था, पहले ऑफलाइन फॉर्म भरो, ठीक है, जैसे डाक के माध्यम से भिजवाओ और कहीं बीच में गायब हो गया तो भी टेंशन। ठीक है, तो इसमें कार्य में तो गति आई है। संप्रेषण लागत में कमी आना, जो ऑनलाइन जो अपन फॉर्म भरते हैं तो इसमें जो लागत में भी कमी आती है। कार्य में पारदर्शिता लागू रहती है। ठीक है, जो भरते हैं अपन फॉर्म भरते हैं, मित्र वाले के पास में अपन सामने ही बैठ के भरवाते हैं। ठीक है, और जो कार्य होते हैं उसमें पारदर्शिता रहती है कि कोई चीटिंग नहीं होती है। नहीं तो पहले क्या, लिफाफे खोल के उसमें गलत सूचना भर के वापस भेज दिया जाता था, जिससे असुविधा भी होती थी। सरकारी कार्यालय व दूरदराज के गांवों में स्थित नागरिकों की दूरियां कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर ऐसा कहा जाए कि ऑफलाइन फॉर्म भरना है और अजमेर RPSC जाना होगा तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अपन घर बैठे या अपने गाँव में ही पास में कहीं ई मित्र होगा, वहां से कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा कर्मचारियों की कमी करने से नौकरशाही का बोझ कम होगा। ठीक है, सरकार द्वारा जो है वो कर्मचारियों की कमी कर दी जाएगी, जिससे नौकरशाही का बोझ भी कम हो जाएगा, ज्यादा लोगों को वो नहीं करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार में कमी, सबसे बड़ा बढ़िया काम है ये ऑनलाइन से, भ्रष्टाचार में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी आई है। भारत में ई प्रशासन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2002 को हुआ। ठीक है, ये जो योजना का शुभारंभ है वो आपका 15 अगस्त 2002 को हुआ है, याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मार्च 2004 में ई गवर्नेंस से संबंधित न्यूनतम एजेंडा प्रस्तुत किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग हर वर्ष राज्य सरकारों के साथ ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। ठीक है, इसको सुधार के लिए जो है वो हर वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है। मई 2005 में डिजिटल भंडारण सुविधा प्रारंभ की गई। ठीक है, डिजिटल भंडारण यानी कि डाटा सेविंग जो करते हैं अपन, उसकी सुविधा प्रारंभ कर दी गई। ई प्रशासन की स्थापना, इसमें पहला है कंप्यूटरीकरण। प्रथम चरण में कार्यालयों में कंप्यूटर स्थापित होते हैं। ठीक है, इसमें जो कंप्यूटरों का की स्थापना की जाती है। फिर नेटवर्किंग, द्वितीय चरण में विभिन्न सरकारी संगठनों की कुछ यूनिटों को परस्पर हब के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, इंटरनेट वगैरह के माध्यम से। ऑनलाइन उपस्थिति, विभिन्न सरकारी संगठनों व संस्थानों द्वारा इनमें अपनी संगठनात्मक संरचना प्रदर्शित होती है। ठीक है,
फिर ऑनलाइन संपर्क, ऑनलाइन उपस्थिति में सरकारी संगठनों व नागरिकों के मध्य संप्रेषण का माध्यम बनाया जाता है। ठीक है, मैं अभी आपके सामने जुड़ा हूँ, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ई प्रशासन की विविध क्रियाएं, ई प्रशासन की कौन कौन सी क्रियाएं हैं? सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान विभिन्न सरकारी संगठनों के भीतर व उनके मध्य होता है। ई प्रशासन के तहत जो भी जितनी भी सूचना डाटाज हैं और जो भी सर्विसेज, जो भी सेवाएं हैं, उनका आदान प्रदान विभिन्न सरकारी संगठनों में होता है ई प्रशासन के माध्यम से। सरकार व नागरिकों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जो सरकार है उनके और नागरिकों के बीच में सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो भी ई प्रशासन के माध्यम से ही होता है। सरकार व कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, सरकार और कर्मचारियों के मध्य भी जो है वो सूचना का आदान प्रदान वो ई प्रशासन के, जबकि कर्मचारियों और नागरिकों के बीच में देखा जाए तो उनके बीच में भी जो कनेक्टिविटी होती है वो भी ई प्रशासन के माध्यम से हो सकती है। ठीक है, तो ये भी देखने वाली बात है। ठीक है मित्रों, अब देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का शुभारंभ कब हुआ? ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का शुभारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 2001, 15 अगस्त 2002, 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2004। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 अगस्त 2002। अगला प्रश्न है, ई प्रशासन की स्थापना का प्रथम चरण है, प्रथम चरण कौन सा है? क्या कंप्यूटरीकरण है, नेटवर्किंग है, ऑनलाइन उपस्थिति है, ऑनलाइन परस्पर संपर्क? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कंप्यूटरीकरण। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना चलाई गई है, ये कब से कब तक चलाई गई है ये यहां से पूछा गया है। वर्ष 2003 से 2007, 2002 से 2007, ठीक है, वर्ष 2002 से 2006, वर्ष 2003 से 2006। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्ष 2003 से 2007। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको कितना इंतजार है फेस वीडियो का वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो यार एक लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यही तो प्रतिपुष्टि है आपकी तरफ से जो मुझे आगे कार्य करने को प्रगति देगी। थैंक यू वेरी मच।